जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। झालावाड़ जिले में कोरोना विस्फोट हुआ और 52 नए संक्रमित रोगी मिले, जिसे अब कुल संक्रमितों की संख्या 60 पर पहुंच गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर श्री गुरुद्वारा दशमेश पिताजी से नगर कीर्तन निकाली गई। हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर में मनरेगा कार्य में नाम कटने के विरोध में ग्राम पंचायत की महिला नरेगा कर्मियों ने अटल सेवा केंद्र के सामने प्रदर्शन कर सरपंच और सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर के खंडार क्षेत्र में राजस्थान मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित पाली ब्रिज पर मध्यप्रदेश से आने वाले यात्रियों की सैंपलिंग चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ टाउन के उत्तम पैलेस में स्वर्गीय संतोष कुमार शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर ऑन ट्रैक सोशल फाउंडेशन संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। झालावाड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के मामले में भारी नाराजगी जताई और राष्ट्रपति से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के निवासी पर्वतारोही दिव्यांश नागर ने पहाड़ों के शिखर पर पहुंचने का नया कीर्तिमान बनाया है और उत्तराखंड के पहाड़ ब्रह्मताल की चोटी पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर तिरंगा लहराया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 60 के करनी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया है। सवाईमाधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय पर पार्किंग की सुविधा नहीं होने की वजह से बाजार आने वाले लोगों के वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कस्बे की प्रमुख सड़कों पर जाम के हालात बन जाते हैं। सवाईमाधोपुर में उलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर कोरोना एडवाइजरी की पालना को लेकर सरकारी अमला सड़कों पर उतरा। एसडीएम योगेश कुमार डागर के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। सवाईमाधोपुर में चाइल्डलाइन टीम द्वारा डेकवा गांव में अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक किया गया। झालावाड़ जिले में अकावद परवन बांध सिंचाई परियोजना का जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने निरीक्षण किया और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया है। श्रीगंगानगर के गसिंह रायसिंह नगर में मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया की ऊंचाई ज्यादा होने से 2 घंटे बस फंसी रही, बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में आईजीएनपी संघर्ष समिति के बैनर तले एसडीएम गेट के सामने किसानों ने धरना शुरू किया। किसानों ने भाजपा विधायक बलबीर लूथरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में हल्की बरसात से गांव में विकास की पोल खुल रही है। गांव 7-7 GB में हल्की बरसात से आवागमन बंद हो गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बार संघ अध्यक्ष मथुरादास का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में मौसम का उलटफेर जारी है, कोहरे ने वाहनों की थामी रफ्तार, लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। रामगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने तनोट पहुंचकर तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जैसलमेर के नोख में कल की बारिश से फैला कीचड़, मुख्य मार्केट में सीसी रोड पर कीचड़ फैलने से राहगीरों और दुकानदारों को हो रही है परेशानी। सिरोही जिले के भिंडवाड़ा में पालिका अध्यक्ष जितेंद्र प्रजापत ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर जिले में सायरा पंचायत समिति ग्राम पंचायत नांदेशमा में 35 साधु साध्वियों ने कमोल से करीब 13 किलोमीटर की विहार कर नांदेशमा में प्रवेश किया। सिरोही जिले के आकराभट्टा में बोलेरो और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, हादसे में 6 लोग घायल हो गए। अलवर के नारायणपुर कस्बे में एनसीआर द्वारा बनाए जा रहे नाले में भ्रष्टाचार का खेल निकला है। एक ही बारिश में नाले की दीवार गिर गई, जिससे दुकानदारों में भारी रोष है। कोटा के डावा में ओलावृष्टि ने एक बार फिर किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। ओलावृष्टि से फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गड़ी में यूरिया खाद लेने की भीड़ उमड़ी, लेकिन वहां भीड़ नियंत्रण नहीं होने से किसानों में भगदड़ मच गई, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उप प्रधान प्रेम प्रताप मालवीय और वीरपुर सरपंच सुभाष निनामा ने शिरकत की। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तिजारा क्षेत्र में जमकर बरसे मेघा, बारिश के कारण कस्बे की दीवार वाले चौक पर भरा गंदा पानी, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। उदयपुर जिले के गोमुंदा पंचायत समिति के जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के राजकीय माध्यमिक विद्यालय झाड़ोली में निष्काम कर्म सेवा फाउंडेशन द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के 100 गरीब छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर बांटे गए। हिंडौन सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एसडीएम ने मैरिज होम संचालक और व्यापारियों की बैठक को लेकर गाइडलाइन की पालन करने और लोगों को वैक्सीन और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है।
हिंडौन सिटी में टोडा भीम के निजी स्कूल में 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी टीचर को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हिंडौन सिटी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 75 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद हिंडौन में आयोजित कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया नवरगढ़ क्षेत्र के बाय गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी के निधन पर शोक जताया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। बूंदी में तालेड़ा थाना क्षेत्र के जमीनपुरा में दो समुदाय के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हो गया, मामले से गांव में तनाव होने पर पुलिस जाब्ता लगाया गया। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा गांव में किराने की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, किराना व्यापारी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। बांसवाड़ा जिले के टाटिया गांव में सड़क पर गंदगी और कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही। बांसवाड़ा जिले के कपड़ा गांव में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चौथी बार चोरी की वारदात हुई, चोर यहां से दानपेटी को उठाकर ले गए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल जगदीप धनखड़ झुंझुनू के बरखातवरपुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता सुरेश कटेवा के पुत्र राहुल कटेवा के निधन पर शोक जताया। बूंदी में हिंडोली पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए की शराब जब्त की। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। झुंझुनू में एलएनटी कंस्ट्रक्शन द्वारा सीएसआर कार्य के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरी कला में बच्चों के बैठने के लिए 70 सेट मेज कुर्सी भेंट की गई। अलवर के रामगढ़ में कड़ाके की सर्दी में यूरिया खाद के लिए सुबह 4 बजे से ही महिला और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। 10 बजे तक खाद न मिलने से किसानों ने जमकर विरोध किया है। पाली के बाली में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं को गर्म स्वेटर बांटे गए। पाली में बाली उपखंड अधिकारी का विदाई समारोह पंचायत समिति हॉल में किया गया है। पाली के बाली में हिंदू सेवा समिति के निर्णय अनुसार समिति के सानिध्य में अज्ञात शवों के सुरक्षित रखी गई अस्थियों के विसर्जन और तर्पण के लिए हिंदू सेवा समिति का दल हरिद्वार रवाना हुआ है। करौली में मौसम के बदले मिजाज और बारिश के बाद कई क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। करौली शहर के बाहरी क्षेत्रों में कोहरा होने के कारण वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। पीएम के सुरक्षा चौक के जिम्मेदार पंजाब सरकार के खिलाफ जिला भाजपा ने मौन धारण करके अपना विरोध जताया है। जयपुर के चरोल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर प्रधानाचार्य अनुराधा शर्मा की अध्यक्षता में शुरू हुआ है। अलवर के शाजापुर क्षेत्र में देर रात से हो रही बरसात के कारण बिजली गुल हो गई है। फुलेरा कस्बे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कस्बे के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला और लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बस स्टैंड स्थित मिठाई और किराने की दुकानों पर कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोरोना गाइडलाइन के स्कूल में धज्जियां उड़ी, विधायक और प्रिंसिपल गाइडलाइन की पालना करना भूल गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में उपखंड कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 16 में कॉलोनी की मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वार्डवासियों में रोष देखा गया है। थानागाजी पुलिस ने कोरोना को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, थानागाजी पुलिस उपाध्यक्ष आदित्य ने संभाली कमान। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आसमान से बरसी आफत, खेजड़ी अंटाली गागेड़ा और लावा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अलवर में निमराना पंचायत समिति के सामने बने महिला शौचालय में दरवाजा नहीं है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। अलवर के गोविंदगढ़ में बड़ोदा मेव थाना क्षेत्र के शीतल गांव में ढाबे पर कुछ युवकों के द्वारा ढाबा संचालक के साथ मारपीट करने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अलवर में बंसूर के गांव लोईती में कक्षा 9 और कक्षा 10 की 40 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटी गई है। अलवर के बंसूर में विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत और रखरखाव को लेकर विद्युत आपूर्ति 6 घंटे बाधित रहेगी। अलवर में बंसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे 4 सीसीटीवी कैमरों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर में लॉयंस क्लब राजगढ़ के तत्वाधान में कस्बे के ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित निशुल्क मस्तिष्क मनोरोग और नशा मुक्ति शिविर में 36 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की। अलवर में राजगढ़ कस्बे की कल्पना चावला गर्ल्स पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ है। झुंझुनू के मंडरेला में 40 जरूरतमंद लोगों को कस्बे के थानाधिकारी द्वारा स्वेटर बांटे गए। झुंझुनू में धार्मिक तीर्थ स्थल लोहारगल धाम में स्थित श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी सिद्ध पीठ वेंकटेश देवस्थान पर विशाल पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के जाक्सो उपखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी गोर्धन लाल शर्मा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। कोटपुतली की ग्राम पंचायत बखराना की ढाणी पछवीरा में बाबा पछवीर का 7वां विशाल भंडारा और वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलवर के रामगढ़ में कोविड सहायकों ने 7 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर एसडीएम ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की मांग की है।
अलवर के तिजारा क्षेत्र में बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। अलवर के कठुमर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रामकिशोर मीणा को ज्ञापन सौंपा है। अलवर में ग्रामीण सीओ अमित सिंह और आईसी थाना मालाखेड़ा के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। अलवर में खैरथल भाजपा मंडल और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे में हेम कालानी चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। कोटा के बापावार में अज्ञात चोरों ने 5 मकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चोर राजीविका ग्रुप के कार्यालय से 19,000 नकद और करीब 25,000 कीमत के जेवर चुरा कर ले गए। कोटा के लटूरी बारापाटी वन क्षेत्र में भारी तादाद में होने वाले अवैध पत्थर खनन को लेकर सरपंच मनीष ठाकर सहित कई ग्रामीणों ने विरोध करते हुए वन विभाग के अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। अजमेर के सरवाड़ सहित क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ के कारण तीसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। इस दौरान सरवाड़ सहित क्षेत्र में बरसात के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। अजमेर के सरवाड़ में दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था द्वारा कल्याणपुरा में सफल परियोजना के तहत जैविक पद्धति पर आधारित एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने गोठियाना गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया है। बाड़मेर के भचपदरा में बालोतरा थाना पुलिस ने टेम्पो चालक पर जानलेवा हमला कर टेम्पो लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के लूनी में कोरोना के 17 एक्टिव केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। जोधपुर के फलौदी में नव भारत जागरण पार्टी का सदस्यता अभियान और पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी के विस्तार को लेकर पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन कर नियुक्ति दी गई है। अजमेर के अराई में सांसद भागीरथ चौधरी ने लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य सरकार पर गांव की अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद लंबी उम्र की कामना को लेकर भाजपा फलौदी शहर मंडल अध्यक्ष अफजल खान ने चमत्कारी वली बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन शांति की दुआ की। चूरू में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक और जन सुनवाई की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से चल रही मावठ की बरसात के दौरान बीती रात राजपुरिया क्षेत्र में बरसात का दौर जारी है। बदले हुए मौसम के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चूरू में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देश पर बाजार में गई प्रशासन की टीम ने 14 चरखी चाइनीज मांझा पकड़कर नष्ट किया है। चित्तौड़गढ़ के सांवले जी में 10 क्विंटल 30 किलो अवैध डोडा चूरा और एक बोलेरो पिकअप गाड़ी जब्त हुई है। बदेसर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने मेजर नटवर सिंह शक्तावत उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में जैन माहेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। चूरू में तारानगर विधायक बुडानिया ने नीम सरासर में नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया है। प्रतापगढ़ के पंचायत समिति पीपलकुंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न नरेगा का सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल ने मौके पर निरीक्षण किया है। चूरू में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगर निकाय अधिकारियों की जिला स्तरीय कार्यशाला में शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने दूसरे चरण में और अधिक सकारात्मक सोच के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के पीपलकुंड में ब्लॉक स्तरीय गैर आवासीय 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। नागौर जिले के ढांडरिया की बेटी डॉक्टर शिवानी मंडा ने टाइपोग्राफी के माध्यम से 1,11,000 राम नाम से बनाई राम दरबार की पेंटिंग। पेंटिंग के दौरान 100 घंटों से भी अधिक का समय लगा। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने पर पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। चूरू में रतनगढ़ एसडीएम विजेंद्र सिंह ने राजकीय चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजकीय चिकित्सालय में लगे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सहकारी समिति के व्यवस्थापकों ने IFCO कंपनी के चित्तौड़गढ़ प्रबंधक के खिलाफ प्राइवेट खाद बीज डीलर के साथ मिलीभगत कर यूरिया वितरण में किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ में उपखंड क्षेत्र बेगू के ग्रामीण अंचल में भी कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। पारसोली और सब सेंटर क्षेत्र में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नागौर जिले में ढिगाना उपखंड के चोई में राजकीय विद्यालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 59 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटी गई। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के भवाल माता मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। नागौर जिले के ढिगाना में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने और बिना मास्क घूमने पर कार्रवाई की गई।